हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहाँकि आप मानकर आरएचटी मेन रिटेन एग्जाम जेटी आमर खूब शीघ्र आसिबो ता सहित ओटीटी अप्रैल मास रे हेबाक जाउछि सेथिपाय इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 35 क्वेश्चन। आप मैंने आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखुछन्ति कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिबा, प्रथम क्वेश्चन रहिछि आप मन पई मेजुरेशन डिटरमाइंस द रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड फॉर। से कहू जे हमर जो परिपक्वता सी गोटे पिलार को प्रस्तुति को डिटरमाइन करूछि। तो चारिटा ऑप्शन रहिछि एजिंग रीडिंग लर्निंग ना डेवलपिंग। तो करेक्ट आंसर होछि हमर कोन होइ जइबो ऑप्शन नंबर सी हे जइबो करेक्ट आंसर लर्निंग। जो माने ऑप्शन नंबर सी टिक करछन्ती एक मार्क एड करिनेबे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंस्ट्रक्शनल मेथड इन व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट लर्निंग असाइनमेंट्स इज नोन एज। से कहूँ गोटे इंस्ट्रक्शनल मेथड जहाँकि गोटे ग्रुप मानने गोटे ग्रुप हो पाने कि वर्क करुँचंती मिसिकी, तो से जो मिसिकी कंप्लीट कर गोटे लर्निंग असाइनमेंट को गोटे ग्रुप ऑफ लर्नर्स बा स्टूडेंट, तो सेटा को कौन कह से जो लर्निंग असाइनमेंट को कंप्लीट कले से कौन कह से पचार। तो यदि ग्रुप गोटे ग्रुप ऑफ लर्नर जदि मिसिक गोटे काम करा कहुए कोऑपरेटिव लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेम्पररी सपोर्ट दैट पेरेंट्स और टीचर्स गिव ए चाइल्ड टू डू ए टास्क इज। से कहे जे गोटे पिला किसी काम करने तो टी डिफिकल्ट हो तो जदि जदि तार पेरेंट्स मैंने टी सपोर्ट करती किंबा टीचर किसी सपोर्ट कौन सी विषय तार डाउट अच्छी कौन सी रे, तो टीचर जी किसी सपोर्ट दिखती ताहले हेल्प करती ताहले तार से टास्कटा से कम्प्लीट कर पार्छे, तो सहीटा को कौन कह जाए दो टेम्परेरी सपोर्ट दि जाऊँ कहा जाए कौन ना स्काफोल्डिंग कह जाए। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर स्काफोल्डिंग कहा जाए। सपोर्ट वार्ड सुनले माने सेटी स्काफोल्डिंग हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग प्रपोज्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। तो आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आसी, तो से आमर स्कूलिंग स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर दी, तो वर्तमान जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर अच्छी से कौन से पचार। तो न्यू स्कूलिंग स्ट्रक्चर हो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एक्सप्लेन्ड द फोर स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रेन। से कहे जे गोटे पिलार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो चारिटा स्टेज को किए एक्सप्लेन करथिले, तो किए एक्सप्लेन करथिले हमर पियाजेट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से या, तो ये किए आमर करते इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो चारटा स्टेज को किए एक्सप्लेन करते पियाजेट एक्सप्लेन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट टू ट्राई अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेन्सेस। एम किए प्रथम ट्राए करते बुझापी इंडिविजुअल डिफरेन्सेस को, तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ एनी स्टूडेंट इज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज क्यूरियस टू नो अबाउट एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द स्कूल देन यू विल हैव थॉट अबाउट इट। से कहे जदि कौन सी स्टूडेंट तुम क्लासरूम जेकोसी जिनस जेकोसी समय किसी घटू तो ता विषय से जानापी पूरा क्यूरीयस अच्छी मानते पूरा कौतूहल अच्छी से पूरा उत्साहित अच्छी ताहले तुम्हें से पिलाटा को चिंताधारा को भाया अच्छी आप भावे देन यू विल थॉट अबाउट इट। ता विषय तुम कौन भावु से पिलाटा को टाइप रे हेतिबो माने ता विषय तुम कौन भावु जदि गोटे पिला स्कूल क्लासरूम से सब जिनस एक्टिव रोचे आ सब कुछ से कौन घटू एक्टिव रोचे, तो से पिलाटा चिंताधारा कौ टाइप से पिलाटा कौ टाइप तुम चिंता कर पचार। तो से एट चार्टा ऑप्शन रही से बैकवर्ड स्टूडेंट हो ना से डज नॉट लाइक स्टडी से पढ़ाई इच्छा करनी ना सी गोटे क्रिएटिव स्टूडेंट ना तार माइंडटा सब गेम उपर रोचे।
तो देखु सब क्यूरीयस रोच जेकोस जिन जानवा को सी क्यूरीयस रोच सब एक्टिव रोच क्लास तेल से हूँ ना क्रिएटिव स्टूडेंट जन सृजनशील छात्र ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ही इज ए क्रिएटिव स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू प्रमोटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को किए प्रमोट करते तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रमोट करते किए आमर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक वाज रिटन बाय मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक किए लिखी तो यू लिखी किए यू लिखी आमर अब्राहम मास्लो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किए लिखी यही पुस्तक को लिखी किए डेनियल गोलमैन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइंस ऑफ बिहेवियर बुक वाज रिटन बाय साइंस ऑफ बिहेवियर दे किंबा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बा साइंस ऑफ बिहेवियर पुस्तक किए लिखी यटा को लिखी बी एफ स्किनर द्वारा लिखा जाए साइंस ऑफ बिहेवियर दे किंबा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर दे तो टेंशन नेबार ना तो यहाँ आम स्किनर लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोहलबर्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड से कहते आमर जो मोरल डेवलपमेंट दे कोहलबर्ग तार छटा स्टेजेस अच्छी से स्टेज भितर कौटा गोटे मोरल जो छटा स्टेज अच्छी कौटा कोहलबर्ग देना को स्टेज देना से पचारि तो देखु आमर कोहलबर्ग को मोरल डेवलपमेंटर छटा स्टेज रे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन अच्छी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अच्छी पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन अच्छी किंतु ईगो सेंट्रिक सोशल सेंट्रिक एटा नहीं ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इज डेवलप्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट तो से कहते आम जीन पियाजेट अनुजाई कौ स्टेज रे आमर गोटे पिलार कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन आम मैक्सिमम मात्रा रे अधिक मात्रा रे आमर सेटा डेवलप होता है तो मैक्सिमम एक्सटेंड होता को स्टेज रे आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे मैक्सिमम कहे सर्वाधिक तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट रही इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स इट तो से कहते आमर डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस आमर जो विकासटा आमर कौन ना के समाप्त हुए ना सेटा गोटे निरंतर प्रक्रिया तो यहाँ आमर कौ प्रिंसिपल सहित जाऊँ तो करेक्ट आंसर होची प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जाऊँ ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौटा गोटे एलिमेंट नुहे उपादान नुहे चार्ट ऑप्शन रही क्रिएटिविटी थिंकिंग टॉलरेंस इमेजिनेशन तो देखो क्रिएटिविटी आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे एलिमेंट हो क्रिएटिविटी सृजनशीलता थिंकिंग भी आसीब आउ इमेजिनेशन आसीब किंतु टॉलरेंस सहनशीलता यहाँ गोटे तार एलिमेंट नुहे तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन तो से कहते कौ पीरियड आमर जो पिलामानर डेवलपमेंट होची विकासर कौ पीरियड को आमर पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन कहा जाए यहाँ हूँ एडोलेसेंस पीरियड को कहा जाए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव से कहते आमर जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा साधारणतः आमर मुख्यतः सेटा आमर कौन आमर आइडेंटिफाई कर चिन्हट कर रिमूव कर तो करेक्ट आंसर हूँ द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर लर्नर मानकर कौटी तर दुर्बल शैक्षिक दुर्बलता रही सेटा को से आइडेंटिफाई कर तार कौर तार विकनेस रही मैथ्रे विकनेस रही कौ टॉपिक रे विकनेस रही से आइडेंटिफाई कर रिमूव मध्य कर पारे आइडेंटिफाई कलापर ताक रिमेडियल टीचिंग दिजाव रिमेडियल टीचिंग देलापर से तार सुधारी पार से जहाँकि तार जो विक् रही रिमूव हो पार तो ऑप्शन नंबर
ए हूँ करेक्ट आंसर द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड पी इज ए कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ए कॉन्सेप्ट किए देते यटा को देते आम लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीएलएम सुड अलवेज बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू से कहते आम जो टीएलएम रही टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ाक रही से गुड़ाक सब क्या बेस करके आम या तो सब आम स्टूडेंट मान लेवल को देखिकी आम टीएलएम बना जाए तो ऑप्शन नंबर सी हिज करेक्ट आंसर टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स से कहते ह्यूमनिस्टिक अप्रोचटा लर्निंग प्रोसेस कौ टाइप रो बोथ टीचर एंड चाइल्ड सेंटर्ड ना टीचर सेंटर्ड ओनली ना चाइल्ड सेंटर्ड ओनली ना नेदर टीचर सेंटर नॉर चाइल्ड सेंटर्ड तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर शिक्षार्थी केंद्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन सीसी ए चाइल्ड इज इवैल्यूएटेड फॉर तो सीसी आमर रही जो रही सीसी सीसी रे चाइल्ड रो कौन इवैल्यूएट हो पार्छि को आस्पेक्ट गुड़ाक को एरिया गुड़ाक कवर करुछि सीसी आपण जानते कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ये आमर चाइल्ड रो को एरिया को से इवैल्यूएट करुछि से पचारिछि तो करेक्ट आंसर हो बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक आस्पेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ता सहित आमर यही ऑप्शन न देखिए आमर कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव कॉग्निटिव को कॉग्निटिव जहाँ भी देचे ठीक हम आमर स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक दे थी कॉग्निटिव को कॉग्निटिव दे थी आपण दे बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया दे थी तो सेटा भी मारे ठीक हम किंतु किंबा आप मन को देखियो स्कॉलास्टिक एंड बोथ को स्कॉलास्टिक आस्पेक्ट जहाँ भी देखिए बिंदास मारे कॉग्निटिव को कॉग्निटिव हम स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टा कौन से पचार प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे आमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैच्युरेशन इज मैच्युरेशन टा कौन आर्टिफिशियल प्रोसेस ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस ना नेचुरल ना लर्न प्रोसेस तो मैच्युरेशन हूँ गोटे नेचुरल प्रोसेस मैच्युरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट से कहते असेसमेंट आम एंट्री बिहेवियर टा केत डन हो पचार ड्यूरिंग टीचिंग ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट ना व्हेन टीचिंग स्टार्ट ना आफ्टर टीचिंग तो असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर एंट्री बिहेवियर आम जो एंट्रेंस टेस्ट गुड़ाक हूँ बिफोर टीचिंग स्टार्ट मनेकर आप बीएड आप पाठ पढ़े बीएड रे आम नाम लिखे बीएड बीएड पाठ पढ़ा आरंभ हे ता पूर्व आम बीएड एंट्रेंस होएड एंट्रेंस आप क्वालिफाई कलापर आप बीएड टीचिंग बीएड क्लास आम जॉइन कर पारे माने टीचिंग पूर्व आम एंट्रेंस गुड़ाक हूँ जहाँ कहुए एंट्री बिहेवियर जहाँ को आम कहुए प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन से आमर बिफोर टीचिंग स्टार्ट एंट्री बिहेवियर को असेसमेंट करने आम टीचिंग पूर्व करा जाए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फुल फॉर्म ऑफ एमएलएल इज एमएलएल रो फुल फॉर्म से पचारी एमएलएल फुल फॉर्म हूँ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स अप्रोच बिलीव्स दैट ए टीचर मस्ट बी ए तो कार्ल रोजर को अप्रोच अनुजाई टीचर गोटे कौ भाव उचित फैसिलिटेटर अथॉरिटेरियन ना इवैल्यूएटर ना मैनिपुलेटर तो देखु कार्ल रोजर्स अप्रोच अनुजाई टीचर मस्ट बी ए फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड कॉग्निशन इज डेरिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोस्केयर व्हिच मीन्स तो आमर जो कॉग्निशन वर्डटा लैटिन वर्ड कॉग्नोस्केयर रु आसी तो कॉग्नोस्केयर अर्थ कौन से पचार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नोस्केयर तो कॉग्नोस्केयर मीनिंग होची टू नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स से कौची कौ टेस्ट द्वारा कौ टेस्ट को व्यवहार करके आम गोटे टीचर गोटे लर्नर लर्निंग डिफिकल्टी को शैक्षिक दुर्बलता को आइडेंटिफाई कर पारिबा या पूर्वर मध्ये मु कहिथिलि ए क्वेश्चन टिके मॉडिफाई करी पचारिछि से कहिछि जने शिक्षार्थी रो शैक्षिक दुर्बलता रहिछि कोठी सेटा को चिन्हट करिया पामे को टेस्ट कर पारिबा ना आमे डायग्नोस्टिक टेस्ट माध्यम रे जानि पारिबा जने शिक्षार्थी रो लर्निंग डिफिकल्टी कोठी रहिछि ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म मोस्ट इफेक्टिव आम लर्निंग होते जितेबाला आम मीनिंगफुल टास्क देवा मीनिंगफुल टास्क देवा तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर्स 95 मार्क्स इन इंग्लिश बट स्कोर 50 नेक्स्ट टाइम एंड थर्ड टाइम 90 द दिस इंडिकेट दैट द टेस्ट इज से कहे जे जड़े स्टूडेंट आमर गोटे एग्जाम कले माननीय तुम जनवरी एग्जाम कले तो से 95 मार्क रखुच इंग्लीश रे तापर आप जून रे एग्जाम कले से इंग्लीश रे 50% मार्क रखुच तापर आप डिसेंबर रे एग्जाम कले से कौन रखुच ना 90% इंग्लीश रे मार्क रखुच तो ये से कहे यहाँ आम कौन टेस्टर कौटा इंडिकेट करुच गोटे टेस्टर कौन को इंडिकेट करुच मैंने यहाँ कौन तो ये आमर चार ऑप्शन रही लैक्स ऑफ पॉपुलैरिटी ना लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी ना लैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ना लैक्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी तो ये आमर कौन ना आमर ये विश्वसनीयतार जदि आम तीन थर जाक जदि आम एग्जाम कले स्कोर जो सामान रोचे ताको कहा जाए रिलायबिलिटी जदि सामान रोनी से लैक ऑफ रिलायबिलिटी तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी हो करेक्ट आंसर माने विश्वसनीयतार कमी रही जदि सामान स्कोर रोचे तीन थर जाक एग्जाम कले स्कोर जो सामान रोचे कहा जाए रिलायबिलिटी जो सामान ना तो लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौटा कौ स्टेटमेंट ट्रू से पचार सत्य चारिटा दुटा ऑप्शन दुटा आमर दे स्टेटमेंट वी ऑल लर्न एट द सेम पेस माने समस्ते गोटे गति रे शिक्षण करिथांती पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअलिटी तो से कहि आमर जो शिक्षण रो गतिटा व्यक्ति केंद्रित रही थाए का किए जल्दी शिखी था कि कम किए लेट्रे शिखी था सब हो तो चार ऑप्शन रही बोथ ए एंड वन एंड टू ना नेदर वन नर टू ना ओनली वन ना ओनली टू तो देखु आमर हूँ जे आमर जो लर्निंग शिक्षण गतिटा इंडिविजुअली हो किंतु समस्त क्षेत्र में सामान लर्नटा आमर हो न था तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ओनली टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इक्विलिब्रेशन इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन इक्विलिब्रेशनटा बैलेंस कर पचारि तो इक्विलिब्रेशन इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई Which of the following is an example of summative assessment? Summative assessment रो example कौन से पचारी छी? Summative assessment आमर कौन होची ना term end रे होची एवं mid term रे होची तो option number B होची correct answer. End of term or mid term exam. अपन 10th class रो आमर summative 1 हला सीधा mid term रे होची. Summative 2 टा हला वर्तमान last रे हला. Exam end आमर end term रे हला. तो एंड टर्म मिड टर्म में जो एग्जाम होता कह जाए समेटिव असेसमेंट तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कॉइंड द टर्म्स समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन ए टर्म गुड़ाक किए देते ए टर्म गुड़ाक देते किए माइकल स्क्रीवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीर टू पीर लर्निंग एनकरेजेस आमर जो पीर माने कौन जे सांगसाथी आमर क्लासमेट पिला तो पीर टू पीर माने सांगसाथी आमर जो मिसिक गोटे लर्निंग करछंती तो सेटा आमर कौन एनकरेज करिवे जदि गोटे सांगसाथी आम गोटे क्लास रो 10 जन पिला मिसिक जदि ग्रुप हेके आमे किछ सिखुछंती सेटा आमर कौन एनकरेज हबो इंडिविजुअली ना कोलाबोरेशन ना कंपटीशन ना जेलस
ସେଠି ଈର୍ଷା ହେବ ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ନା ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ ନା କୋଲାବରେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାବରେସନ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପିର୍ ଟୁ ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଏଇଟା କୋଲାବରେସନ୍ଟା ଆମର ଏନକରେଜ୍ ହେବ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 35 କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।